हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस समय वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में कौन क्या है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, मैं आपके लिए प्रत्येक महीने इस टॉपिक पर एक वीडियो लाता हूं। तो देखिए, आज के इस वीडियो में अभी हाल ही में अक्टूबर महीने में कुछ नियुक्ति नहीं की गई थी, तो उनको भी हम इस वीडियो में देखेंगे और कुछ अपॉइंटमेंट पुराने भी हैं जिन्हें हम सभी को देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखते रहिए और वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान में थल सेनाध्यक्ष कौन है? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी का आंसर भी पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और देखिए, आपको वीडियो पूरा अंत तक देखना है ताकि आप इस वीडियो के माध्यम से अपना रिवीजन कर सकें। और देखिए, रिवीजन करने से जितना ज़्यादा आप रिवीजन करते हैं उतने ही समय के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रहता है। तो आप इसलिए वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जनरल बिपिन रावत। ये इस समय भारतीय थल सेना अध्यक्ष हैं। और देखिए, जनरल बिपिन रावत को अभी हाल ही में COSC यानी कि चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का भी अध्यक्ष बनाया गया है। तो आपको दोनों याद रखने हैं, थल सेना अध्यक्ष और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी यानी कि COSC के अध्यक्ष कौन है? जनरल बिपिन रावत हैं। और यहाँ पर बात करें एडमिरल करमबीर सिंह की, तो ये इस समय नौसेना अध्यक्ष हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के नए वायुसेना अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, RKS भदौरिया। ये भारत के नए वायुसेना अध्यक्ष बने हैं। देखिए, अब बात करें किसका स्थान लेंगे, तो ये एयर चीफ मार्शल BAS धनोआ का स्थान लेंगे, जो 30 सितंबर 2019 को रिटायर हो रहे हैं। तो 30 सितंबर के बाद भारत के नए वायुसेना अध्यक्ष कौन होंगे? RKS भदौरिया। तो आपको इनका नाम याद रखना है। देखिए, यहाँ पर बात करें विवेक कुमार जौहरी, तो देखिए इनका नाम भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हें अभी हाल ही में BASF का महानिदेशक बनाया गया था। तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के 47वें नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शरद अरविंद बोबडे। ये भारत के सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय के 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। आपको उनका नाम याद रखना है, शरद अरविंद बोबडे। बात करें किसका स्थान लेंगे, तो ये रंजन गोगोई का स्थान लेंगे, जो 46वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। ये 17 नवंबर 2019 को रिटायर यानी कि सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अब नए मुख्य न्यायाधीश बनेंगे शरद अरविंद बोबडे, जो 47वें नंबर के होंगे, और ये 18 नवंबर 2019 को शपथ लेंगे। ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर बात करें जो उच्चतम न्यायालय होता है, इसके मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है यानी रिटायरमेंट की आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष होती है। और मैंने आपको पहले कई बार बताया है कि जो हाई कोर्ट होता है यानी कि उच्च न्यायालय होता है, उसके सभी न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष होती है। तो दोनों याद रखने हैं। और यहाँ पर बात करें कि जो HJ कन्हैया हैं, ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे उच्चतम न्यायालय के। और यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बता दूँ जो महत्वपूर्ण है, कि जो इस समय सुप्रीम कोर्ट है इसमें सभी न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 34 है। पहले 31 थी, अब 3 और बढ़ाकर कुल मिलाकर सब न्यायाधीशों की संख्या 34 कर दी गई है। ये आपको याद रखना है उच्चतम न्यायालय में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो देखिए, BCCI के अभी हाल ही में नए अध्यक्ष चुने गए हैं, जिनका नाम है सौरभ गांगुली। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सौरभ गांगुली। अब बात करिए कौन से नंबर के अध्यक्ष बने हैं BCCI के, तो 39वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं। और यहाँ पर बात करें हम जय शाह की, तो देखिए अध्यक्ष तो सौरभ गांगुली बने हैं, और जो BCCI के सचिव बने हैं, तो जय शाह BCCI के सचिव बने हैं। देखिए, जय शाह जो वर्तमान में गृह मंत्री हैं अमित शाह, तो इनके बेटे हैं। ये भी आपको याद रखना है। बात करें यहाँ पर ग्रांट गोवन की, तो देखिए BCCI के प्रथम अध्यक्ष थे, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया के नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, UIDAI के नए CEO बने हैं पंकज कुमार। ये भी मैंने आपको पहले करंट अफेयर्स के वीडियो में बता दिया है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पंकज कुमार, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब नेशनल बैंक के MD यानी कि प्रबंध निदेशक और CEO यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने? तो देखिए, अभी हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO नियुक्त किए गए थे, जिनका नाम है मल्लिकार्जुन राव। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मल्लिकार्जुन राव, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, NSG के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए, NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम है
अनूप कुमार। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनूप कुमार, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीआईबी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए पीआईबी यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, तो इसके नए महानिदेशक नियुक्त किए गए जिनका नाम है के एस धतवालिया। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, के एस धतवालिया। ये भारत सरकार के 28वें नंबर के मुख्य प्रवक्ता बने हैं और इन्होंने श्री सितांश सुकार का स्थान लिया है, ये आपको याद रखना है। और मैं आपको बता दूं, ये पीआईबी के तो महानिदेशक बने हैं और इसके साथ ही ये भारतीय जनसंचार संस्थान के भी महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो देखिए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं एन के सिंह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एन के सिंह। देखिए 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 1 अप्रैल 2020 से शुरू होगा, तो इस समय वर्तमान में 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं बाई बी रेड्डी। तो आपको दोनों याद रखने हैं, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बाई बी रेड्डी। और अगर हम बात करें कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो के सी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। और देखिए वित्त आयोग की स्थापना भी आपको याद रखनी है, वित्त आयोग की स्थापना 22 नवंबर 1951 को की गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो देखिए इस समय भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अजीत डोभाल। अब बात करें प्रथम कौन थे, तो प्रथम थे ब्रजेश मिश्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो देखिए महिला आयोग के अध्यक्ष हैं प्रेजेंट में रेखा शर्मा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रेखा शर्मा। और देखिए प्रथम महिला आयोग की अध्यक्ष थी जयंती पटनायक, तो आपको इनका नाम भी याद रखना है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपके लिए काम का है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए इस समय प्रेजेंट में 17वीं लोकसभा है और इसके अध्यक्ष हैं ओम बिरला। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ओम बिरला। बात करें प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो जी बी मावलंकर थे। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो जी बी मावलंकर। और देखिए बात करें प्रथम लोकसभा महिला अध्यक्ष कौन थी, तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार, तो आपको इनका नाम भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है? तो देखिए लोकसभा महासचिव है स्नेहलता श्रीवास्तव। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्नेहलता श्रीवास्तव। और देखिए लोकसभा की ये प्रथम महिला महासचिव है। अगर आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी, तो स्नेहलता श्रीवास्तव ही हैं, जो कि वर्तमान में भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? तो देखिए राज्यसभा का सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, तो इस समय भारत के उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू। तो वेंकैया नायडू इस समय राज्यसभा के सभापति हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वेंकैया नायडू। बात करें प्रथम कौन थे, तो प्रथम राज्यसभा के सभापति वही थे जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आपको याद रखना है। बात करें राज्यसभा के वर्तमान में उपसभापति कौन है, तो उपसभापति हैं प्रेजेंट में हरिवंश नारायण सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो देखिए इस समय आरबीआई के प्रेजेंट में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शक्तिकांत दास। देखिए ये 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं। देखिए अगर हम बात करें कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, देखिए आरबीआई के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर थे ओर्सबोर्न स्मिथ, और आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। तो ये दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर कौन थे, तो ओर्सबोर्न स्मिथ थे और प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। अगर हम बात करें आरबीआई की स्थापना की, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसबीआई बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो देखिए एसबीआई बैंक ये भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रजनीश कुमार। देखिए इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पेटीएम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मधुर देवड़ा। मधुर देवड़ा को अभी हाल ही में पेटीएम का नया अध्यक्ष बनाया गया है, इन्होंने स्थान लिया है भूषण पाटिल का। यहाँ पर बात करें पेटीएम की, तो देखिए पेटीएम की स्थापना कब हुई थी, तो अगस्त 2010 में पेटीएम की स्थापना हुई थी, आपको याद रखना है। और देखिए इसके संस्थापक कौन है, ये नाम भी महत्वपूर्ण है, तो इसके संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की नई प्रमुख कौन बनी है? तो देखिए, अभी हाल ही में IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की नई प्रमुख बनी है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। इन्होंने स्थान लिया है क्रिस्टीन लगार्ड का। देखिए, ये 1 अक्टूबर 2019 से कार्यभार संभालेंगी। इन्हें 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। तो आपको इनका नाम याद रखना है। देखिए, यहाँ पर बात करें डेविड मालपास की, तो आप सभी को मालूम होगा इस समय कौन है। तो ये इस समय विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। और देखिए, जो IMF है, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है? तो देखिए, अभी हाल ही में भारत के नए वित्त सचिव बने हैं राजीव कुमार। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजीव कुमार। बात करें अजय भूषण पांडे की, तो देखिए, अजय भूषण पांडे भी अभी हाल ही में राजस्व सचिव बने हैं। तो ये दोनों नियुक्तियां नई की गई हैं, आपको इन दोनों के बारे में याद रखना है। राजीव कुमार ये नए वित्त सचिव बने हैं और अजय भूषण पांडे ये राजस्व सचिव बने हैं। बात करें निर्मला सीतारमण की, तो आप सभी जानते हैं ये भारत की वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? तो देखिए, अब बात करें विदेश सचिव की, तो इस समय भारत के प्रेजेंट में विदेश सचिव हैं विजय केशव गोखले। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विजय केशव गोखले। और अगर हम बात करें कि वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है, तो विदेश मंत्री है इस समय S. जयशंकर। तो आपको दोनों याद रखने हैं। और देखिए, भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो KP S. मेनन, ये भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल कौन बने? तो इसका आंसर आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये क्वेश्चन मैंने इससे पहले के वीडियो में करा दिया था। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो आप उसे हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या आपको साइड में लास्ट में वो वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।